पुराने जमाने में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए रियासतें और देश दूसरों पर हमला किया करते थे। दुश्मनों से लड़ने, उनकी घेराबंदी और किलेबंदी को तोड़ने के लिए तब ऐसे कई खतरनाक हथियार बनाए गए थे जो अपने वार से दुश्मन की किलेबंदी के पर खच्चे उड़ा दिया करते थे। सदियों पुराने ऐसे कई हथियार आज भी बहुत सी म्यूजियम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक हथियारों की कहानी। बिग बर्था तोप। 1914 में बनी इस तोप का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान किया गया। जर्मनी के अलावा हंगरी ने भी इस तोप का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और बेल्जियम की किलेबंदी तोड़ने के लिए किया था। ये तोप 9 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर गोले दाग सकती है। मॉन्स मैग तोप। इस तोप का नाम बेल्जियम के मॉन्स शहर के नाम पर पड़ा जहां इसे बनाया गया था। मॉन्स मैग का वजन तकरीबन 6 टन है। इसे 1457 में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स टू को दिया गया था। इसका इस्तेमाल 15वीं और 16वीं सदी के दौरान किया जाता था। बाद में साल 1550 में इस तोप को रिटायर कर दिया गया। ए माउंट 13 इंच मोर्टार। अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान कई तरह की बंदूकों और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया, जिनमें ए माउंट 13 इंच मोर्टार भी शामिल थी। 1862 में इस मोर्टार का इस्तेमाल यॉर्कटाउन, वर्जीनिया की घेराबंदी के लिए किया गया था। काउंटरवेट ट्रेबुशेट मैंगोनेल। लकड़ी की बनी ये मशीनें फ्रांस के एक संग्रहालय में मौजूद हैं। मध्यकाल में इनका इस्तेमाल दुश्मन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। पुरानी किताबों में मौजूद तस्वीरों का इस्तेमाल करके इन्हें दोबारा बनाया गया है। बेलिस्टा स्टोन्स। अब से 2000 साल पहले बेलिस्टा गेंदों का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता था। बड़े बड़े गोल पत्थरों की शक्ल में पहली शताब्दी के इस हथियार को रोमन बेलिस्टा के डी आर्किटेक्चर में मिली जानकारी के आधार पर बनाया गया था। जर्मन लेदर तोप। 17वीं शताब्दी में एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकने वाली इस तोप को बनाया गया था। इसे बनाने के लिए लोहा, तांबा और लकड़ी के साथ ही चमड़े का इस्तेमाल भी किया गया था। गन शील्ड। फ्रांस के राजा हेनरी 8वें के बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक गन शील्ड का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का बना ये खांचा एक ढाल की तरह काम करता था। उसके पीछे से किसी को भी बिना हथियार दिखाए गोली मारी जा सकती थी। इसमें पिस्टल सेट करने के लिए एक सुराख होता था। सोर्ड ब्रेकर। दिखने में ये हथियार किसी आम चाकू की तरह है, लेकिन ये किसी भी तलवार को तोड़ने की ताकत रखता है। अगर कोई तलवार से हमला करता था तो इससे न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता था बल्कि तलवार को तोड़ा भी जा सकता था। फिर सामने वाले के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता था। पुराने ऐतिहासिक हथियारों की इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।